आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं वही लोकसभा इलेक्शन के ताल्लुक से। अपना पर्चा भरने से पहले ही बालिया मामद ने जो है एक पत्रकार परिषद बुलाकर पत्रकारों को सारी जानकारी दी और आने वाले जो जीत है उसकी निशानदेही भी करवाई कि किस तरह से हम लोग जो है बहुत ही मजबूती से लड़ रहे हैं और बहुत ही बड़ी तादाद में यानी लाखों की तादाद में हम जीत हासिल करेंगे। तो चलिए उनके ही दफ्तर पर चलते हैं और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होते हैं और क्या कुछ उन्होंने कहा ये सुनते हैं। मैं श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ और दूसरा आज यहाँ जो भी पत्रकार परिषद है, आप सभी पत्रकार भाई बहने यहाँ पे उपस्थित है, आप सभी को भी महाराष्ट्र दिन की बधाई देता हूँ, आपका यहाँ पे स्वागत करता हूँ। कल 2 मई महाविकास आघाड़ी गठबंधन की ओर से मुझे उम्मीदवारी दी गई है और कल मैं पर्ची भरने वाला हूँ। कल 11 बजे से लेके 2 बजे तक छत्रपति शिवाजी महाराज स्टैचू से लेके प्रांत ऑफिस तक हमारी एक रैली है और फिर हम लोग एक पर्ची भरने वाले हैं और इसके माध्यम से और भी 2-3 सब्जेक्ट जो अभी अभी हुए हैं उनके लिए ये पत्रकार परिषद ली है और इसमें आप सभी का स्वागत करता हूँ। देखो अभी सभी पार्टी के नेता होंगे, प्रमुख नेता होंगे, इस जिला के सभी नेता होंगे। अभी भी मेरे को 3 बजे के बाद में मैसेज आएगा प्रदेश कार्यालय से कि कौन कौन नेता इसमें शामिल होंगे, पर इतना जरूर है कि हमारे ठाणे डिस्ट्रिक्ट के सभी नेता, प्रदेश के नेता जो प्रमुख नेता है वो इसमें पर्ची भरने के लिए आने वाले। मामा आपकी बाजू में आज क्या पूरा मामला क्या है? देखो 5-6 दिन पहले हमारे यहाँ के एक सोशल वर्कर है अरविंद म्हातलेकर के, और उन्होंने उनके सोशल के माध्यम से जो जो खासदार कपिल पाटिल उन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है, उनके लड़के ने जो किया है, उनके भतीजे ने किया है, उनकी सबकी पोल खोल करके उनके खिलाफ कोर्ट में जाके FRI दर्ज किया है और यही बात ध्यान में रख के इसी बात पे गुस्सा करके कपिल पाटिल और उनके सहयोगी ने एक हमारी बहन को एक केस दर्ज करने के लिए महात्मा फुले नगर में भेजा और एक केस दाखिल 376 का एक केस दाखिल हुआ है। अपने को तो बोलने को भी अच्छा नहीं लगता है पर इन लोग को दाखिल करते वक्त भी शर्म नहीं आ रहे, इतने बेशर्म ये हुए हैं और ये पहला नहीं है। ऐसे कितने केसेस कपिल पाटिल ने किए हैं, बोगस फिरियादी, बोगस विटनेस हाजिर करना, क्योंकि देखो हमारे पुलिस भाइयों की भी मजबूरी है, जब कोई गुनाह दाखिल करने को जाता है तो उनकी पहली जिम्मेदारी है कि वो FRI दाखिल करना, बाद में उसकी वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसमें जो भी सच का सच हो जाएगा। अभी जो गुनाह दाखिल किया है पूरा गलत तरीके से, जिसमें 6 महीना पहले का कुछ दिखाया है, जो तारीख दिखाई वो 4 तारीख को अरविंद म्हातलेकर भिवंडी कोर्ट में थे, जो 5 तारीख दिखाई है उसमें वो IGM हॉस्पिटल में थे। तो मतलब वो जो गुना दाखिल हुआ है उसकी पोल खोल होने वाली है। फिलहाल ये जो गुना दाखिल किया है इसका निषेध करने के लिए हम सब लोग, हमारी बहनें अरविंद म्हातलेकर के विशेष भी है, ये सब यहाँ पे उपस्थित है, वो भी उनकी स्टेटमेंट देने वाली ही है
क्योंकि ये बात का निषेध अपन जितना करे उतना कम है। मैं कपिल पाटिल को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आह्वान करता हूँ कि आप चुनाव लड़ रहे हो, आप 10 साल खासदार थे, 3 साल मंत्री थे, तो आपने जो जो एज ए खासदार करके काम किए हैं, जो डेवलपमेंट किया है, वो डेवलपमेंट सामने लाओ, वो बेसिस पे आप निर्वाचन लड़ो, किसी जाति धर्म के बेस पे, किसी नेताओं के बेस पे इलेक्शन मत लड़ो। और ये जो घिनौनी हरकत कर रही है, नीच हरकत कर रही है, ये हरकत करने की कोई मर्दानगी वाली बात नहीं है, ये तो नामर्दानगी है, क्योंकि ये कोई भी कर सकता है। कल जाके इस लोकसभा क्षेत्र से कोई भी आदमी, कोई भी माँ बहन उठ के ऐसा गुनाह दाखिल कर सकते हैं। ये दाखिल करना मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ये कोई बड़ी मर्दानगी का काम नहीं है, ये नामर्दानगी है। तो ऐसी नीच हरकत नहीं करे। अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो आप देख रहे हैं सभी लोगों का जो गुस्सा, जो रोष उनके खिलाफ हो रहा है, अगली हरकत का पूरे करारा जवाब सब जनता दे देगी, उसमें हम नेताओं की भी जरूरत नहीं है। तो इसके लिए इलेक्शन के हिसाब से लड़ो, काम के हिसाब से लड़ो, डेवलपमेंट के हिसाब से लड़ो, विजन के हिसाब से लड़ो, ये मैं उनको आह्वान करता हूँ और ये केस के माध्यम से उनका निषेध करता हूँ। सर, भिवंडी लोकसभा क्षेत्र की जो जनता है, जनता बोलती है कि हिंदी ने माझ्या पप्पावर खोटी केस केले, त्यांच्यावर भिवंडी जनता करेल न्याय करेल। जय शेतकरी संघटना। भिवंडी लोकसभा क्षेत्र की जो जनता है वो जानना चाहती है कि जो लड़ रही है तो क्या विजन लेके भिवंडी के लिए लड़ रही है, और भिवंडी की जो जनता है कि आप एनडीए को इंडिया गठबंधन को क्या किन किन मुद्दों पे? मैं वही बोल रहा हूँ, मैं अभी जो इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ, हो सकता है मैं पहला कैंडिडेट की एक भिवंडी लोकसभा क्षेत्र की खुद की एक डेवलपमेंट की ब्लूप्रिंट बना के मैं ये इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ, जिसमें पूरे मुद्दे हैं। भिवंडी लोकसभा क्षेत्र में चाहे वो टोरंटो का मुद्दा रहे, चाहे वो सभी क्षेत्र में हॉस्पिटल का मुद्दा रहे, शिक्षा का मुद्दा रहे, या जो भी हमें हमारे युवाओं का रोजगार का मुद्दा है, ये सभी बेसिस पे इलेक्शन हम लड़ने जा रहे हैं। और एक क्षेत्र में ये जो सब काम है, जो सब चुनौतियां है, ये काम हम कैसे करेंगे, चुनौतियां हम कैसे पार करेंगे, इसका भी वो ब्लूप्रिंट में जवाब है। जैसे कि आईजीएम हॉस्पिटल है, तो आईजीएम हॉस्पिटल को हम डेवलप करके एक जिला रुग्णालय बनाएंगे। टोरंटो का है, 2027 लास्ट टोरंटो की मुहलत है, उसके बाद टोरंटो आपको दिखाई नहीं देगी, ये एकदम ठाम बात मैं आपके सामने करता हूँ। क्योंकि ये सभी भिवंडी की जनता रास्ते पे उतरेगी, सरकार का टोरंटो कंपनी का जाहिर निषेध करेगी और ये टोरंटो को हद्दपार करेगी। जहाँ आज पूरे लोकसभा क्षेत्र में आप देख रहे हैं, शाहपुर, मुरबाड़, भिवंडी ग्रामीण सभी क्षेत्र में आज बड़े पैमाने पे टैंकर लाए जा रहे हैं। ये सब पानी का जो सही तरह से प्लानिंग करना चाहिए था वो नहीं हुआ करके इतना साल से टैंकर चालू है, बहुत बड़ा मसला है। तो ये सब मसले हल करेंगे, प्लानिंग करके हल करेंगे, ये बात लेके हम आपके सामने इलेक्शन लड़ने आ रहे हैं। देखो अभी आपने देख रहे हैं, समाज बड़ी तादाद में आपके साथ है और आप उनके लिए क्या करने वाले? देखो अल्पसंख्यक की जो भी आप देख रहे हैं, सबसे पहले तो देखो सभी का एक ही मसला है, भिवंडी बोले वो तो टोरंटो, आईजीएम हॉस्पिटल और शिक्षा आप देख रहे हो।
हमारे यहाँ का मुस्लिम समाज हो या हिंदू समाज हो, हमारे यहाँ मिडिल क्लास ज्यादा लोग हैं। वो मिडिल क्लास रहने के कारण उनको हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, आईजीएम या कोई गवर्नमेंट रुग्णालय, उनको शिक्षा लेनी पड़ती है जिला परिषद या महानगर पालिका के स्कूल। और आज आपने देखा है ये गवर्नमेंट ने 60,000 के ऊपर स्कूल जो थे गवर्नमेंट के वो बंद कर रहे हैं। अगर ऐसे स्कूल बंद करेंगे कल हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे? जो शिक्षा लेनी है आप देख रहे हैं इतनी महंगाई हुई है, और जो प्राइवेट स्कूल है वो उनके मनमर्जी से जो भी है वो डोनेशन ले रहे हैं, फीस ले रहे हैं। तो ऐसे हालात में आप देख रहे हैं मंडी में भी हमारे मुस्लिम बांधव या अपनी आने वाली पीढ़ी जो है, देखो जब आने वाली पीढ़ी के लिए सही तरह से शिक्षा मिलेगी, उनका सही तरह से आरोग्य रहेगा, अच्छा रहेगा, तो ही आगे जाके ये जो अपना फ्यूचर है, जो आने वाली पीढ़ी है, ये अच्छी बन सकती है और इस देश का डेवलपमेंट हो सकता है।